एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस एक्सपर्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा पार्ट, ठीक है। पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनीचर पेंटिंग का ये दूसरा पार्ट है और यही अपना लास्ट टॉपिक, ठीक है। तो आपके बुक में जो फुल मार्क्स में यही दे रखा है, दो पार्ट बस। तो इसको हम लोग देखिए पढ़ते हैं, ठीक है। नंद, यशोदा एंड कृष्णा विथ किन्स मैन गोइंग टू वृंदावन, ठीक है। वृंदावन जा रहे हैं कौन कौन? तो कृष्ण भगवान जी और यशोदा नंद। यशोदा और नंद क्या है, कौन है इनके माता पिता, ठीक है। तो मतलब बेसिकली इनके जो असली माता पिता हैं वो तो जेल में बंद थे, है ना। तो यहाँ पे इनको बड़ा कौन किया? तो नंद और यशोदा, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे। ये वृंदावन जब जा रहे थे, ठीक है, किन्समैन के साथ, किन्समैन मतलब उनके वहाँ के वासी के साथ, ठीक है, तब का यहाँ पे उसी का सीन को क्या किया गया, यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, ठीक है। और हम लोग उसका डिस्क्रिप्शन को चलिए पढ़ते हैं, उसके बाद आपको क्या करेंगे, पेंटिंग को दिखा देंगे, समझा देंगे, ठीक है। एक शॉर्ट आइडिया लेंगे क्या कुछ लिखना है आपको, ठीक है, एंड दैट्स इट। तो चलिए तो डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। इन दिस पेंटिंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ गोकुल एज वेल एज नंद, यशोदा एंड कृष्णा हैज बीन शोन गोइंग टू वृंदावन। दिस मिनिएचर पेंटिंग वॉज प्रिंटेड बाय द नानसुक ड्यूरिंग द पीरियड 1785 से 1790 AD। ध्यान से देखिए, इसमें कोई भी पेंटिंग में आपको पेंटर का नाम इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको भूल जाना मतलब फिर तो मतलब गया, ठीक है। बॉडी आप लिख रहे हो अलग बात है, हाँ उसके अंदर क्या कुछ है वो आप वही हो गया आपका बॉडी, ठीक है। एक पत्र को लिखते हैं ना आप लोग तो बॉडी लिखते हैं, तो वो चीज़ तो आपको लिखना है, लेकिन पेंटर का नाम इज वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ तो आप लिखेंगे ना, कुछ जो इंपॉर्टेंट बात, या तो फिर आप ईयर लिखो। तो ईयर काफी लोगों को याद नहीं होता, इसलिए पेंटर का नाम तो जरूर याद रखना है, ठीक है। 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी कभी कभी आ जाता है कभी, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे शॉर्ट नोट आपको ऐसे देगा राइटर, शॉर्ट नोट ऑन द वृंदावन, ठीक है, नंद यशोदा एंड कृष्णा गोइंग टू वृंदावन, ऐसे करके दे देगा, ठीक है, एक शॉर्टली, ठीक है। तो और आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन में क्या है कि ये जो पेंटिंग है यहाँ पर गोकुलवासी को दिखाया गया, गोकुलवासी मतलब वहाँ के लोगों को दिखाया गया जो वहाँ पे रहते हैं वृंदावन में। नंद यशोदा और कृष्णा को दिखाया गया कि जब वो लोग वृंदावन जा रहे थे तब, ठीक ठीक है। तो दिस पेंटिंग जो है किनके द्वारा बनाया गया है? तो ये जो पेंटिंग है नानसुक के द्वारा बनाया गया है, पेंटर का नाम है याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ईयर कौन सा है? तो 1785 से 1790 के बीच में ये पेंटिंग को बनाया गया है। बेस्ड ऑन द एपिसोड ऑफ द भागवत पुराण, भागवत पुराण में जो कि श्री कृष्ण जी का है, ठीक है, उस उनमें क्या है, उस भागवत पुराण में सब कुछ दे रखा है, कृष्ण भगवान जी क्या कुछ लीला किए, कैसे जन्म लिए, क्या कुछ वो कहे, ठीक है, वो सारी बातें जो है उसमें लिखी हुई है। तो भागवत पुराण का ही था, है उसमें से एक पार्ट, ठीक है। तो उसी एपिसोड के ऊपर जो है इस पेंटिंग को बनाया गया है कंगरा स्टाइल में, कंगरा स्टाइल, ठीक है। तो ये जो पेंटिंग है टेंडर है, प्लेसिड है और एंड ब्लीविचिंग, ठीक है। लोगों को क्या करता है, कुछ सिखाने, ठीक है, एक सीख दिखाने के लिए, मतलब कुछ सीख सीखने के लिए इस पेंटिंग को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हुआ है, ठीक है। मतलब बेसिकली भागवत पुराण में कुछ अच्छी बातें, ठीक है, जितनी भी अच्छी बातें हैं जो श्री कृष्ण जी कहे, ठीक है, वो सारी बातें तो अच्छी हैं। तो उनको जो है यहाँ पर जो वो जा रहे हैं तो किस तरह गोकुलवासी के साथ वो उनका लगाव है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है, वही चीज़ कह रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो एक भावनाओं को यहाँ पे दिखाया गया। इन दिस पेंटिंग 13 ह्यूमन फिगर्स हैज बीन शोन, 13 लोग को यहाँ पे दिखाया गया, 13 लोगों को, ठीक है, गोकुलवासी को दिखाया गया है, यहाँ पे 13 लोग हैं। 3 ऑफ देम हैव बीन शोन स्विमिंग इन यमुना, देखिए 3 लोग यहाँ पे दिखेंगे आपको यमुना नदी में तैरते हुए को, ठीक है, तैर रहे 3 लोग, ठीक है। और रेस्ट ऑफ द फिगर्स हैज बीन शोन इन द वेरियस कॉन्स्टेंसेस एंड वेयरिंग क्लोथ्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, रिवर के उस तरफ मतलब रिवर के तट पर, ठीक है, इनकी रिवर खत्म हो गया, जमीन आ गया, ठीक है, मतलब पूरा मिट्टी आ गया, वहां पर चलने के लिए जो जगह होता है तो वहां पे आपको दिखाई देगा कि जो रिवर खत्म हो गया, तो वहां पर आपको बाकी लोग जो हैं, ठीक है, 3 लोगों को छोड़कर, 3 लोग तो क्या कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं कहाँ, यमुना रिवर में, ठीक है। और जो अलग से जो बच गए, ठीक है, 10 लोग, वो लोग क्या है, वो लोग वहां पर खड़े हैं, ठीक है, सभी लोग जो है अच्छे क्लोथ पहने हुए हैं, पूरा ऑर्नामेंट्स के साथ, ठीक है, सज धज कर बिल्कुल मतलब खड़े हैं, ठीक है।
ओके तो कृष्णा हैज बीन शोन इन ब्लू कलर, ब्लू कलर का फेस को दिखाया गया, ठीक है, मतलब कृष्ण भगवान जी को ब्लू कलर में दिखाया गया है, हाफ नेकेड है, मतलब क्या जो कमर से ऊपर का जो पार्ट है वो नेकेड है, ठीक है, खुला है, और उसको ढकने के लिए यहाँ पे ऑर्नामेंट्स का इस्तेमाल किया गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्ड है, ठीक है, और आपके फ्लावर्स से क्या किया गया है, उसको क्या किया गया है, पूरा तरीके से सजाया गया है, ठीक है, श्री कृष्ण भगवान जी को, ठीक है, श्री कृष्ण जी को, तो यहाँ पर जो है दिखाया गया है कि डिफरेंट ऑर्नामेंट्स को यूज किया गया है जो कि गोल्ड से बने हैं, ठीक है, उससे क्या किया गया है, और वहां पे फ्लावर्स को यूज किया गया है, ठीक है, वृत्त फ्लावर्स, ठीक है, उनको जो है क्या किया गया है, उनके गले के जो अराउंड जो है माला जो होता है ना नेकलेस तरह, ठीक है, उसको बनाया गया है। और ये फिर यहाँ पे देखिए आगे पढ़ते हैं, तो देयर इज अ गोल्डन क्रोन ऑन हिज हेड, ठीक है, जो ताज होता है यानी कि मुकुट, ठीक है, तो वो मुकुट जो है यहाँ पर क्या है, गोल्डन कलर का है, ठीक है, गोल्डन कलर का मुकुट है सर पर, ही इज सिग्नलिंग विथ हैंड्स टुवर्ड्स द गोल्डन बिल्डिंग ऑफ वृंदावन पीपिंग आउट थ्रू द क्लाउड्स, क्लाउड्स के ऊपर आपको दिखेगा यानी कि जो बादल है ना, बादल के ऊपर वृंदावन को मतलब क्या कर रहे हैं, वो अपने हाथों से दिखा रहे, कौन दिखा रहे हैं, कृष्ण जी, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, गोकुल वासियों को दिखा रहे हैं कि देखो वो है हवेली, मतलब वो है वृंदावन, ठीक है, उसका पैलेस, ठीक है, उसको वो दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए गोकुलवासी जो है वो तो वहां नहीं जा सकते, वो नहीं जा सकते, तो क्या कर रहे हैं, यहीं से जो है उनको दिखा दे रहे हैं कि किस तरीके का है वो बना हुआ, ठीक है, लोगों को देखने का होता है ना मन किस तरह का बना हुआ है, ठीक है, तो वो चीज जो है वो वहीं से दिखा रहे कि देखो यही है मेरा वृंदावन, ठीक है, वो जो उस चीज को सिग्नल कर रहे हैं, ठीक है, गोल्डन बिल्डिंग ऑफ वृंदावन पीपिंग आउट थ्रू द क्लाउड्स एंड द इनहैबिटेंट्स ऑफ वृंदावन, ठीक है, नंद एंड यशोदा लुकिंग दैट साइड सरप्राइजली, बहुत ही चौंकते हुए वो सभी लोग जो है उस वृंदावन को देख रहे हैं कि कितना मतलब सुनहरा है, पूरा गोल्ड का बना हुआ है ना, पूरे सोने का बना हुआ है वृंदावन, उसको वो दिखा रहे हैं, और वो नकली नहीं, वो एक्चुअली में है वो, तो वो तो बहुत ही दूर है, तो यहाँ पे दिखाना है तो क्या करे, तो वही जो है बादल के ऊपर जो है वो क्या कर रहे, लीला है, यहाँ पे भी देखिए चमत्कार है, वो दिखा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, अपने हाथों की उंगलियों से, ठीक है, इंडिकेट करते हुए सभी लोग जो है आश्चर्यचकित होकर उसको देख रहे हैं, ठीक है, बहुत ही सुंदर भव्य जो है वृंदावन उसको दिखा रहे हैं। ऑल द पर्सन आर हाफ नेकेड एक्सेप्ट नंद एंड यशोदा, जितने भी लोग थे सभी जो है क्या थे, कमर से ऊपर मतलब वही नेकेड मतलब खुला है, ठीक है, तो सभी लोग जो है उसी तरीके से थे, सिर्फ नंद और यशोदा को छोड़कर, नंद और यशोदा कौन थे, उनके माता पिता, उनको छोड़कर बाकी सभी लोग हाफ नेकेड थे, ठीक है। अनदर क्राउडेड पर्सन हु हैज पुट ऑन ब्लू कलर्ड कॉस्ट्यूम इज पॉसिबली बलराम, वहां पे एक ब्लू कलर का कॉस्ट्यूम पहने हुए देखे बलराम और जो कृष्ण है, अगर उसको ड्रॉ करना है तो कृष्ण भगवान जी पीले कलर का वस्त्र पहनते हैं, ठीक है, इसलिए उनको पीताम्बर पीताम्बर वस्त्र उनको ज्यादा पसंद है, पीले कलर का वो धोती पहनते हैं और बलराम को ब्लू कलर का धोती, ठीक है, मतलब ब्लू कलर में दिखाया जाता है, तो वहां पे यहाँ पे वही चीज बनाया गया कि एक अलग एक पर्सन को दिखाया गया जो ब्लू कलर का क्या है कॉस्ट्यूम पहने हुए, और वो पॉसिबली कौन है, बलराम है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा हद तक पॉसिबल यही है, मतलब कि वो बलराम है, पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाया गया। अब देखिए ही इज रेजिंग वन ऑफ हिज हैंड अप सिग्नलिंग टुवर्ड्स वृंदावन, ठीक है, वो भी क्या कर रहे हैं, अपने उंगलियों से वृंदावन की ओर सिग्नल देते हुए दिखा रहे हैं, ठीक है, कि वो देखो वृंदावन है। ऑल द ह्यूमन फिगर्स हैज वोर्न स्ट्रिप्ड क्लोथ्स डाउन द लोइंस एंड देयर हेड्स हैव बीन कवर्ड विथ मल्टी कलर्ड कैप्स, तो जितने भी वहां पे ह्यूमन फिगर्स मतलब कैरेक्टर्स जो लोग वहां पे गोकुलवासी हैं, सभी के सभी क्या है एक स्ट्रिप क्लोथ्स पहने हैं, ठीक है, लोइन यानी कि कमर बंद पहने हुए, ठीक है, और सर पे क्या है कवर किए हुए, सर को खुला नहीं है, सर को कवर किए हैं कैप से, ठीक है, टोपी से, टोपी मतलब क्या, उस टाइम पे टोपी तो होता नहीं था, पगड़ी बोलते हैं, ठीक है, तो पगड़ी से क्या किए हुए थे वो कवर किए हुए, ठीक है, यहाँ पे कैप यूज किया गया, ठीक है, पता नहीं, तो यहाँ पे जो है ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर देयर इज अ बर्ड सिटिंग ऑन अ कट स्टीम ऑफ अ हैवी ट्री, ऑन द अदर स्टीम हैज बीन शोन अ सिटिंग बर्ड, तो देखिए यहाँ पे जो है ना लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट साइड मतलब बायां, ठीक है, बायां साइड जो है रिवर के जो तट है, ठीक है, रिवर का तट का बायां साइड, वहां पे आपको देखने को मिलेगा एक बर्ड जो है बैठी हुई है,
एक स्टीम जो कि बहुत ही हैवी ट्री यानी कि बहुत ही भारी भरकम चौड़ा बिल्कुल विशाल सा क्या है वृक्ष है पेड़ है और उसका जो टहनी है ना वो थोड़ा सा आधा कटा हुआ है ठीक है और उसके ऊपर एक बर्ड जो है वहां पे बैठी हुई है ठीक है ये सब कुछ देख रही है। इन द राइट साइड ऑफ द पेंटिंग ये सब देयर इज अ ऑन विच हैज बीन शोन ए ट्री कॉइल्ड अराउंड क्रीपर्स ठीक है। लेफ्ट साइड में तो बात कर लिए कि वहां पे बर्ड बैठी है इतना विशाल सा वृक्ष है। राइट साइड में क्या है राइट साइड में भी आपके पेंटिंग में देखने को मिलेगा एक पेड़ है ठीक है और उस पेड़ का जो है टहनी उसके ऊपर पूरा कॉइल्ड है। कॉइल्ड मतलब देखे हैं क्या कुछ कुछ ऐसे पेड़ क्रीपर्स जैसे क्या होते हैं ऊपर लत की तरह बिल्कुल भागते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं मैंगो ट्री में जो मंजर आता है वो क्या होता है ऊपर की तरफ भागता है ठीक है मतलब क्या ऊपर की तरफ फैलता जाता है एक पतला सा एक क्या होता है एक स्टीम जैसा होता है ठीक है बिल्कुल वही। तो वही जो है उस क्वाइल्ड है पूरा क्रीपर्स में ठीक है पूरा क्रीपर्स उस ट्री को पूरा किए हुए कवर ठीक है। इन बैकग्राउंड में दिखाया गया है इन द बैकग्राउंड द स्काई हैज बीन शोन सराउंडेड विद क्लाउड्स। क्लाउड्स यानी कि बादलों से घिरा हुआ है पूरा आसमान ठीक है बैकग्राउंड में यही चीज दिखाया गया है। थ्रू द क्लाउड्स द गोल्डन बिल्डिंग ऑफ वृंदावन पीपिंग आउट द ग्राउंड ऑफ द अदर साइड ऑफ द रिवर हैज बीन शोन फिल्टर्ड विद ग्रीनी ठीक है। तो जो क्या है वहां पे दिखाया गया कि जो क्लाउड है ना बादलों के बीच में आपको एक गोल्डन सा बिल्डिंग वृंदावन का दिखाई दे रहा है और जो ग्राउंड है ना जो अदर साइड यानी कि रिवर के उस तरफ ठीक है वो जो ग्राउंड है पूरा हरियाली ही हरियाली है ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं इस पेंटिंग को और आगे बहुत कुछ जो है अब चलिए उसको क्या करते हैं शॉर्ट में समझते हैं ठीक है। किसी भी पेंटिंग को लिखना है आप उसके इमेज को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए दिमाग में फिट फिट कर लीजिए ठीक है ताकि कोई भी अगर नाम बोले ना जैसे नंद यशोदा है तो उसका याद आ जाए आपको ठीक है उसका क्या हो आपको अच्छी तरीके से याद आ जाए इमेज और आप उसके बारे में काफी कुछ लिख पाए ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं इसका स्नैपशॉट ठीक है क्या लेते हैं शॉर्ट आइडिया। देखिए ये जो पेंटिंग है आपको देख सकते हैं सबसे पहले नीचे तो देखिए तीन लोग हैं स्विमिंग करते हुए बाकी लोग हंसते खेलते जा रहे हैं ठीक है। और एक बलराम को दिखाया गया जो हाथ क्या कर रहे हैं ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं और कृष्ण जी जो है वो भी ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो कृष्ण जी है वो येलो कलर का धोती पहने हैं और बलराम जो है ब्लू कलर का धोती पहने हैं ठीक है। ऊपर क्लाउड्स की ओर क्या इशारा कर रहे हैं वृंदावन पैलेस को वो दिखा रहे हैं ठीक है गोल्डन कलर का है बिल्कुल। दो ट्री को यहाँ पे दिखाया गया एक ट्री के ऊपर क्या है एक बर्ड बैठी हुई जो कि लेफ्ट साइड में राइट साइड में एक ट्री है जो कि क्या है पूरा क्रीपर से क्या हुआ है पूरा ऊपर तक वो पहुंचा है ठीक है मतलब क्रीपर्स पूरी तरह से घेर लिया ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक क्या कुछ है ठीक है डिस्क्रिप्शन का जो एक शॉर्ट आइडिया आपको देते हैं ठीक है क्या कुछ है इसमें। तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले तो यहाँ पे आपको पेंटर का नाम लिखना है ठीक है क्या लिखना है कि इस पेंटिंग में जो है क्या है पहले तो दिस पेंटिंग वॉज पेंटेड बाई कौन है बताइए तो नैनसुक ठीक है नैनसुक इन 1785 से 1790 एडी ठीक है। इन इस पेंटिंग में इनहेबिटेंट्स ऑफ गोकुल यानी कि गोकुल वासी एज वेल एज नंद एंड यशोदा विथ कृष्णा ठीक है एंड बलराम इसको क्या किया गया है वॉज शोन गोइंग टू वृंदावन वृंदावन जाते हुए यहाँ पर इस पेंटिंग को दिखाया गया है ठीक है। इसमें जो है ये जो एपिसोड है बिल्कुल भागवत पुराण से क्या किया गया लिया लिया गया है और उसको क्या किया पेंट करके यहाँ पे उसका ड्राइंग को बनाया गया उसके चित्र को बनाया गया ठीक है। भागवत पुराण में ये जो जाने वाला जो है ना दिखाया गया है ठीक है वो जो चीज है वहां पर लिखा हुआ उसी को क्या किया गया उसका पेंटिंग बनाया गया है ठीक है। घाघरा स्टाइल में कौन से स्टाइल में कंगरा स्टाइल घाघरा नहीं कंगरा स्टाइल में ठीक है कंगरा स्टाइल में बिल्कुल इस पेंटिंग को बनाया गया है। इस पेंटिंग में क्या कुछ आपको दिखेगा तो यहाँ पे 13 फिगर्स आपको दिखेंगे जो कि तीन जो है फिगर्स को दिखाया गया स्विमिंग करते हुए यमुना नदी में ठीक है और बाकी जो रेस्ट फिगर्स हैं वो क्या कर रहे हैं स्टैंड है ठीक है वो चलने के क्रम में दिखाया गया है और जो क्लोथ्स है वो बहुत ही डेकोरेटेड ठीक है पहने हुए ठीक है। अदर साइड ऑफ द रिवर ठीक है लोग चल रहे हैं ठीक है। और क्या कृष्णा को यहाँ पे ब्लू कलर का दिखाया गया हाफ नेकेड दिखाया गया है जो कि फुल ऑफ ओरिएंटेशन से भरे हुए ठीक है मतलब पूरे ऑर्नामेंट से भरे हुए ठीक है पर्ल्स एंड ऑर्नामेंट से उनको डेकोरेट किया गया जो कि गोल्ड से बना हुआ है ठीक है गोल्ड से बना हुआ ऑर्नामेंट्स को पहने हुए ठीक है। अराउंड द नेक क्या किया गया है फ्लावर से भी वहां पे बनाया गया है ठीक है जो फ्लावर से बनता है ना माला बस वही
ठीक है, तो वही जो है वो बनाया गया, वृथ ऑफ फ्लावर्स अराउंड हिज नेक, गोल्डन क्राउन, ठीक है, ऊपर जो ताज यानी कि मुकुट जो होता है, मुकुट जो है पूरा गोल्डन कलर का है उनका, ठीक है, उस मुकुट को गोल्डन कलर का दिखाया गया है। वो क्या कर रहे हैं, ऊपर आसमान की तरफ, स्काई में जो क्लाउड्स है उसकी तरफ वो क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, और उस वृंदावन पैलेस को वो दिखा रहे हैं, ठीक है, गोकुलवासी को, यानी कि वहाँ इनहेबिटेंट्स ऑफ वृंदावन, ठीक है, वहां पे जितने भी लोग हैं सभी हाफ नेकेड हैं, ठीक है, एक्सेप्ट नंद एंड यशोदा, ठीक है, जो कि और वो लोग जो है नंद एंड यशोदा और बाकी इनहेबिटेंट्स जो है बहुत ही ज्यादा सरप्राइजली उसको देख रहे हैं, किसको, वृंदावन पैलेस को, ठीक है, बहुत ही सरप्राइज, बहुत ही आश्चर्यचकित भाव से देख रहे हैं, ठीक है, जो एक अलग से एक आपको क्रोन्ड आदमी, यानी कि जो एक और जो है वहां पे मुकुटधारी, ठीक है, एक इंसान को दिखाया गया, वो कौन है, तो ब्लू कलर का कॉस्ट्यूम पहने हुए वो बलराम है, ठीक है, और वो भी क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं वृंदावन की तरफ, ठीक है, तो वो जो जितने भी वहां पे लोग को दिखाया गया, यानी कि ह्यूमन फिगर्स, सभी के सभी जो है लॉयंस, ठीक है, सभी के सभी कमर बंद, ठीक है, पहनते हैं, मतलब क्या है, एक तरीके से जिनका नहीं भी है, मान लीजिए कोई ह्यूमन फिगर में जैसे मेल का है, ठीक है, तो उनका तो नहीं होगा, तो जनरली यहाँ पे यूज किया है फीमेल के लिए, ठीक है, और जो मेल के लिए उनके लिए सिंपल जो कॉस्ट्यूम होता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है हेड के ऊपर क्या है, कवर किए वो लोग कैप से, कैप मतलब हो गया वहां पर टोपी, ठीक है, तो टोपी से यहाँ पे देखिए इस पेंटिंग में टोपी को ही दर्शाया गया, ठीक है, वैसे हालांकि उस टाइम पर क्या होता था, पगड़ी चलता था, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पेंटिंग में जो है आपको कैप से दिखाया गया, तो कैप ही लिखेंगे आप लोग, ठीक है, कैप जो है यहाँ पर से क्या किए हैं, अपने हेड को कवर किए हैं गोकुलवासी, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, और क्या कुछ है, तो यहाँ पे मल्टी कलर का कैप्स है, सभी लोग एक तरह के नहीं पहने, सभी अलग अलग कलर के पहने हैं, ठीक है, और लेफ्ट साइड जो है बैंक ऑफ द रिवर, वहां पे आपको देखने को मिलेगा एक बर्ड जो है बैठी हुई है, ठीक है, लेफ्ट साइड में एक ट्री के ऊपर बर्ड बैठी हुई है, जो कि क्या कर रही है, वही सब कुछ देख रही है, ठीक है, ओके, और राइट साइड में आपको एक ट्री मिलेगा, ठीक है, लेफ्ट साइड वाला जो ट्री है ना बहुत ही घना और विशाल है, ठीक है, ह्यूज हैवी ट्री है, जिसके ऊपर हाफ कट स्टीम के ऊपर एक बर्ड बैठी है, ठीक है, और राइट साइड में जो दाहिना साइड है, यानी कि राइट साइड, वहां पर क्रीपर्स से भरा हुआ, राउंड अराउंड द क्रीपर्स कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, एक उस ट्री में क्या है बना हुआ है, ठीक है, तो बेसिकली क्लाउड्स की जो क्लाउड है ना, क्लाउड थ्रू द क्लाउड्स, वो यही दिखाना चाहते हैं, गोल्डन बिल्डिंग ऑफ वृंदावन उसको दिखा रहे हैं, और जो दूसरी तरफ है, ठीक है, जहां पे वो चल रहे हैं जिस पगडंडी पर, ठीक है, जहां पे पगडंडी मतलब रास्ता, पाथ, वो क्या है, पूरा हरा भरा है, पूरा ग्रीनिश ग्रीनी है पूरा, उसको दिखाया गया। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा समाप्त होता है ये पार्ट, ठीक है, इसके बाद मुगल पे आएंगे, ठीक है, मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है, उस पे बात करेंगे, और डेकन स्कूल भी है, ठीक है, तो एक एक करके सभी को देखेंगे, ठीक है, आगे के जो वीडियोस है वो अपलोड हो रहे हैं डेली रेगुलर, ठीक है, देन आप जो है मतलब देख सकते हैं, ठीक है, तो ये कभी तब होगा, ठीक है, आपको पता कैसे चलेगा, ठीक है, बाकी की जो वीडियोस है वो सभी भी अपलोड होती है, ठीक है, अलग अलग टाइम्स पे, तो देखिए यहाँ पे जो है आपको पता करना है, तो सिंपल आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, रेड बटन सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो भी वीडियोज नए आने वाला है, ठीक है, और वो आप क्या करेंगे, देख पाएंगे। सो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा, ठीक है, समझ में आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।